दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपना बुटेबल पेन ड्राइव से आप नॉर्मल पेन ड्राइव आप किस तरह से बना पाएंगे। हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे किस तरह से आप अपना बुटेबल पेन ड्राइव से आप नॉर्मल पेन ड्राइव में आप किस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपका बुटेबल पेन ड्राइव बना हुआ है उसे आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट से जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी किस तरह से आपको बुटेबल पेन ड्राइव से नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करना है। चलिए, बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, तो अपना कंप्यूटर में विंडोज आर प्रेस करना, उसके बाद आपको यहाँ से रन ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ से आपको CMD टाइप करना है, CMD, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है, मतलब कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, लिखना है यहाँ से डिस्क पार्ट, इस तरह से आपको लिखना है अपना डिस्क पार्ट। उसके बाद आपको इंटरफेस करना है, इंटरफेस करने के बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा यस का, तो यहाँ से आपको यस कर देना है डिस्क पार्ट का। उसके बाद यस करने के बाद यहाँ इस तरह से यहाँ पर डिस्क पार्ट का जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ पर आपको डिस्क पार्ट में लिखना है, यहाँ से आपको लिस्ट स्पेस करके यहाँ पर डिस्क लिख देना है। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको सभी स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से लिस्ट डिस्क लिखने के बाद आपको इंटरफेस करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिस्क जो है आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक डिस्क 0 है जो मेरा कंप्यूटर का है, और जो हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ है बुटेबल पेन ड्राइव जो है यहाँ पर 28 GB का। तो आप अपना स्टोरेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका स्टोरेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क 1 जो है मेरा ये पेन ड्राइव है, डिस्क 1 जो है मेरा पेन ड्राइव है। चलिए, मैं यहाँ से अपना पेन ड्राइव को अब हम नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना लिखना है यहाँ पर सेलेक्ट, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से आपको लिखना है अपना स्मॉल लेटर में सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट डिस्क 1 सेलेक्ट डिस्क स्पेस करके 1 लिखना है इस तरह से। उसके बाद आपको इंटरफेस करना है, इंटरफेस करने के बाद आपका जो है डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, मतलब कि आपका जो है डिस्क 1 जो है आपका सिलेक्ट हो चुका है, आपका डिस्क 1 जो है सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद आपको यहाँ से आपको क्लीन करना है, क्लीन लिखना है CLEAN इस तरह से लिखना है, सभी स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है, इंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क, उसके बाद आपका क्लीन हो चुका है। तो आप क्लीनिंग हो चुका है, लेकिन आप जो है यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हम डिस्क PC को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेरा जो है अभी इसी तरह से दिखा रहा है, लेकिन अभी ये क्लीन नहीं हुआ है। चलिए, हम यहाँ से फिर से और यहाँ पर कुछ लिखना है, उसके बाद चलिए हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से क्लीन नहीं हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से create partition primary इस तरह से लिखना है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। उसके बाद आपको इंटरप्रेस करना है, इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा डिस्क सक्सेस इज क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद यहाँ से आपका जो है हो चुका होगा। चलिए, हम यहाँ से ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ से डिस PC को हम दोबारा से ओपन करते हैं, देख सकते हैं यह बन चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा पेन ड्राइव जो है नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्मेट कर देना है, यहाँ से आपको फॉर्मेट कर देना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, आपको फॉर्मेट जरूर कर देना है। ये अभी आप फॉर्मेट जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फॉर्मेट हो चुका है, यहाँ पर फॉर्मेट कम्प्लीटेड। उसके बाद आपको करके यहाँ से कट कर देना है। अब यहाँ पर ये आपका पेन ड्राइव रेडी हो चुका है, आपका जो है पेन ड्राइव रेडी हो चुका है आपका। तो आप इसी तरह से आप नॉर्मल पेन ड्राइव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना बुटेबल पेन ड्राइव से आप नॉर्मल पेन ड्राइव में इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी आपको कंप्यूटर से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी वीडियो को देखने के लिए।